तो एक तरफ एनडीए की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल अब प्रधानमंत्री के लिए ही चुन लिया गया है, उनको अपना पूरा समर्थन दे दिया गया है, रिटर्न लिख करके दे चुका है पूरा एनडीए, वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस की है वो तस्वीर है, वो गठबंधन है कि जिसने प्रधानमंत्री मोदी को वो जादुई आंकड़ा नहीं छूने दिया जिसके लिए वो बार बार कह रहे थे, न 400 पार हो सकी, न 272 का वो मैंडेट, वो बहुमत मिल सका। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं जहां इस इंडिया अलायंस की मीटिंग जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की इस कोठी पर है, यहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एम के स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव, संजय राउत, संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर राघव चड्ढा, डी राजा और सीताराम येचुरी, तमाम यहाँ, ये पूरा वो विपक्षी गठबंधन है जिसने नहीं आने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उस हद तक नहीं पहुँचने दिया जहाँ तक उनके पहुँचने के दावे थे, जिनके दावों की हवा निकाली है, ये वही पूरा गठबंधन है जिसके आप तमाम इस वक्त नेताओं को पूरे देश भर से इस वक्त सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एम के स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव, संजय रावत, संजय सिंह, राघव चड्ढा, डी राजा, सीताराम येचुरी, सभी हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इन्हीं लोगों ने, अगर मैं कहूँ तो, भाजपा के उस गुब्बारे की हवा निकाली है जिसमें कि 350 और 400 की सीट का दावा किया जा रहा था। खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है, भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ, जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला, लाए आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद, आज ही ले आइए नूरी के मसाले। Of India Bloc, thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India Bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points and we definitely whatever promises we have given to the people that
we will keep it up and just I want to tell this. Thank you very much. सर क्या कोशिश होगी सरकार के लिए सर खड़गे जी? तो इस वक्त आपने सुना किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बताया है। एक तो सबसे पहले भारत की जनता का शुक्रिया अदा किया और उन तमाम वोटर्स का साफ तौर पर कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोग मिलकर के पूरा जो विपक्षी गठबंधन है पूरा विपक्षी गठबंधन जो है वो मिलकर के इसी तरह से काम करता रहेगा, यानी इंडिया अलायंस इसी तरह काम करेगा, सब लोग एक साथ हम ऐसे ही रहेंगे जिस तरीके से इस वक्त आप लोगों ने देखा। तमाम नेताओं की उपस्थिति थी, तमाम नेता मौजूद थे। 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग इसमें चलती रही मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी सरकारी आवास पर। अलग अलग तरीके के मुद्दों के ऊपर तरह तरह की बातें यहाँ आपस में की गई हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर सहमति जताई गई है। तमाम इंडिया गठबंधन के ये नेता मौजूद यहाँ पर थे, जिनमें सोनिया गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव से लेकर के तेजस्वी और सब भी इस वक्त में मौजूद थे। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। एम के स्टालिन यहाँ पर थे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये सभी लोग यहाँ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा इस वक्त जो उस तरीके की बात अभी क्लियर की है, एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया, इतना सरमाथे रखा, इतना भरपूर लोगों ने अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतनी सीट्स दी हैं, ये मिलकर ही आगे रहेंगे, इसी तरीके से यूनाइट होकर के आगे काम करेंगे और मोदी की उस हेट स्पीचेस के खिलाफ जिस तरीके की नफरत को फैलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी के उन प्रचार के दौरान उन लफ्ज़ों से जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया उसकी यहाँ पुरजोर मजम्मत और मुखालफत की गई है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है इंडिया गठबंधन, 234 का आंकड़ा ही ये लोग छू पाए हैं, आगे क्या किसी तरीके का कोई गणित बैठेगा, कुछ और लोगों को तोड़ने और जोड़ने की तैयारी होगी, कुछ होगा, इस बारे में किसी तरीके की कोई बात नहीं कही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी तमाम मौजूद थे। मीडिया 2.5 से 3 घंटे यहां पर इंतज़ार करता रहा लेकिन किसी से कोई सवाल का जवाब किसी भी नेता ने नहीं दिया। लेकिन एक साथ एक मंच पर खड़े होकर के ये दिखाया कि इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले जिस तरह से एक साथ था वैसे ही चुनाव के बाद भी, जीतने के बाद भी एक साथ है। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एनडीए ने अपना जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे के लिए अब अपना प्रधानमंत्री ही चुन लिया है, प्राइम मिनिस्टर 3री मरतबा उनकी हैट्रिक होने जा रही है और उनका कब जाकर के फाइनल, क्योंकि 8 तारीख को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको हलफ बर्दारी होगी, यानी उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बहुत अहम भूमिका है। जिस तरह से उनके 16 सीट और 12 सीट का ताउन उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को, तो वो अपनी तरफ एक तरफ वहाँ मीटिंग चली और उसके बाद यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकारी आवास पर 2.5 से 3 घंटे तक यहाँ आत्ममंथन किया गया, यहाँ चिंतन किया गया और उसके बाद फिर आखिर में निकल करके तमाम नेताओं ने यही कहा कि हम लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस एक साथ रहेगा। आप लोग हमारे साथ 10 राजा जी मार्ग मल्लिकार्जुन खड़गे के इस रिहाईगाह से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।